नायक, आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ केमिकल फार्मूला। एलिमेंट का टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था तो एलिमेंट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट को जब हम किसी से लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है, सिंबल, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम एलिमेंट की। इसी तरीके से हमारे पास जो भी केमिकल कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, उसको अगर हम उसके अंदर मौजूद एटम्स या एलिमेंट्स जो है उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, उनका केमिकल फार्मूला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर को हम सिंबॉलिकली यानी वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं विद अ प्रॉपर एटॉमिक रेशियो और मास रेशियो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये उसका केमिकल फार्मूला है H2O। सिमिलरली हमारे पास ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6। इसी तरीके से हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है ये एक कंपाउंड है और इसका फार्मूला है केमिकल फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सो केमिकल फार्मूला जो है इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और उसको हम क्या नाम लेते हैं, केमिकल फार्मूला का नाम लेते हैं। केमिकल फार्मूला जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन क्लासेस के अंदर या तीन टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, एक है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपकी बुक में फिलहाल दो फार्मूला को डिस्कस किया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को और एम्पिरिकल फार्मूला को। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इट इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू रिप्रेजेंट ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनको सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करने को विद प्रॉपर रेशियो बिटवीन द एटम्स उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स और एक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये हम फर्दर फोर्थ चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इनकी सारी बॉन्डिंग्स वगैरह, लेकिन अभी सिर्फ हम इतना बता दें कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी दो आइटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं दूसरे के साथ तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं और उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जबकि आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है और आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब भी कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान और इसके नतीजे में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है और जो कंपाउंड जिनके अंदर ये आयोनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयोनिक। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं लेकिन स्पेसिफिकली आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड्स का जो फार्मूला होता है उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो फार्मूला होता है उसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो है फार्मूला यूनिट। अब यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आयोनिक कंपाउंड है जबकि ग्लूकोज जो है ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। सो ग्लूकोज का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा जबकि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है दोनों का। लेकिन जनरली हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की टर्म भी यूज करते हैं बट स्पेसिफिकली आपने ये याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमारे पास फिर क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू रिप्रेजेंट ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल और यह हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि एक्चुअली हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है, अगर हम इनमें से कोई भी फिगर आगे पीछे कर देंगे तो ग्लूकोज
उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गलत हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4। मीथेन भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसका फार्मूला है CH4, जिसमें एक कार्बन और चार हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहे हैं, इसका एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो CH4 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। सिमिलरली हमारे पास जो है कुछ पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो किसी दूसरे एटम के साथ या अपने ही किसी एटम के साथ केमिकली बाउंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है नोबल गैसेस हमारे पास हैं, तो उनके जो सिंबल्स हैं वही उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है तो ये इसकी सिंबल भी है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनान है और रेडॉन है, ठीक है। तो ये छह हमारे पास नोबल गैसेस हैं जो कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, यानी ये सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं और वही इनका एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म होती है और वही उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है इसकी मदद से हम इस मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को जब हम ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर हमारे पास अगर हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है उसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वाटर के अंदर दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, जिसको हम आसानी की खातिर जो है वो 1 भी लिखते हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो 2.016 प्लस 16, दिस इज 18.016 और इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको आप लिखेंगे 18 न्यू। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल वाटर का लिया और उसका मास कैलकुलेट किया बाय एडिंग द मैसेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम ग्लूकोज का फाइंड आउट करें मास, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है हमारे पास, C6H12O6। इट मीन्स इसके अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है और इसके अंदर 6 ऑक्सीजन है। सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। 12 6 are 72 plus 12 are 12 plus 16 6 are 96। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है जो हमने कैसे हासिल किया, हमने उसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को ऐड किया, और एटम्स जितने भी होंगे पहले हमने इंडिविजुअल एटम्स के मैसेज फाइंड आउट किए कि अगर एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनके मैसेज को हमने पहले फाइंड आउट किया, फिर उन तमाम के मैसेज को ऐड किया, तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया। समझ आ गई। इससे रिलेटेड आपकी टेस्ट सेल्फ है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपने उनके मॉलिक्यूलर मैसेज कैलकुलेट करने हैं, तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट योर सेल्फ जो है ये आपके पास है 1.3, उसके अंदर ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के आपने मॉलिक्यूलर मैसेज जो है वो कैलकुलेट करने। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट इज द फार्मूला जिसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हम
सिंपलेस्ट फार्मूला, यानी वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो रेशियो है, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास होल नंबर में आ जाए वो रेशियो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जो फार्मूला शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आपके पास बेंजीन है C6H6, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन जिसका फार्मूला क्या है, C6H6। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हमें इसके अंदर मौजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हम कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो जो है इसको सिंपल करेंगे, तो 6:6 है दोनों की, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1:1 आ जाएगा, ठीक है, यानी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जो है ये दोनों मिलकर क्या करेंगे हमारे पास जो है वो इंपेरिकल फार्मूला बनाएंगे, तो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6। जब हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो इसके इंपेरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6:12:6, इस रेशो को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:2:1, यानी कार्बन एक हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन भी एक, तो दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, CH2O आ गया। अब हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला यूनिट जो है ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होती है, यानी आयोनिक कंपाउंड जो है उनका वही फार्मूला यूनिट होता है और वही उनका क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयनिक कंपाउंड, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये किसी स्पेसिफिक रेशियो के साथ हमारे पास जो है वो एक्चुअल रेशियो हम इतनी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ आयंस होते हैं, यानी आयंस का एक हजूम होता है जिसमें पॉजिटिव आयंस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ होता है नेगेटिव आयंस ने और नेगेटिव आयंस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ होता है पॉजिटिव। मीन्स कि हमारे पास अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने स्ट्रॉन्ग किया है और हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने स्ट्रॉन्ग किया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एवरेज यूनिट निकालते हैं और एवरेज यूनिट निकाल कर हम क्या करते हैं उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट हम लिखते हैं और वही उसका क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है तो उसका यही इंपेरिकल फार्मूला है, यही फार्मूला यूनिट है। एक और आयनिक कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, यही इसका इंपेरिकल फार्मूला है और यही इसका क्या है, फार्मूला यूनिट है। सिमिलरली हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, यही इसका इंपेरिकल फार्मूला है, यही इसका फार्मूला यूनिट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स। इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स जस्ट लाइक जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर मैथ्स निकाला था, सिमिलरली इंपेरिकल फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स निकालेंगे। मींस कि आपके पास जो भी इंपेरिकल फार्मूला होगा आपने उसके अंदर मौजूद एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं और उनके एटॉमिक मैसेस को ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स। हमने जो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं हम इन्हीं दो के इंपेरिकल फार्मूलाज निकालते हैं, तो हमारे पास CH है, ये बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला आएगा हमारे पास क्योंकि ये बेंजीन का क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, तो 13 AMU जो है ये बेंजीन का क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। समझ आ गई। इसी तरीके से CH2O है, तो CH2O जो है इसका इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स ये ग्लूकोज का आ जाएगा, यानी कार्बन 12 हाइड्रोजन 2:1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 12 + 2 + 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 AMU, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला
फार्मूला की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरेटिव फार्मूला। अब व्हाट इज एन? तो एन इज अ नंबर विच वुड बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और एन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, इट मींस कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो आप उसकी मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH, उसका मॉलिक्यूलर मास है 78 AMU। ठीक है, फाइंड आउट उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया गया है, आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है। जस्ट आपको चाहिए आप एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आप एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे। यानी एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है इट इज इक्वल टू कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 13 AMU। अब ये मॉलिक्यूलर मास है, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है, तो पहले हम एन फाइंड आउट करेंगे। 78 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 6 AMU। सॉरी, ये एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये AMU और ये AMU कैंसिल। सो एन इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में एन की वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे सी एच। 6 को हम एच से भी मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो सी सिक्स एंड एच सिक्स इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। समझ आ गई? अब हमारे पास बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं नेचर में जिनका सेम मॉलिक्यूलर और सेम एम्पिरिकल फार्मूला है। फार्मूला जो तो हमने देख लिया कि आयनिक कंपाउंड्स का हमेशा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है, लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी ऐसे हैं नेचर में जिनका वही मॉलिक्यूलर फार्मूला और वही क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है। ठीक है, वाटर में ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, इसको हम इजी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और यही इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिमिलरली हमारे पास जो है यूरिया है NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला है, तो इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन चार एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। सो दिस इज ऑलरेडी इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, ये ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशियो है हमारे पास, सो यही यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही उसका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला है। सिमिलरली हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसमें भी आपके पास यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका, और सॉरी इसमें आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लगाएंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये 1:2:1, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 होगा जो कि ग्लूकोज का भी है। इट मीन्स के 2 ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनके सेम एम्पिरिकल फार्मूलाज आ जाए। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका वही मॉलिक्यूलर और वही एम्पिरिकल फार्मूला है, तो आपकी पेज पे बुक में पेज नंबर 13 पर टेबल में आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज लिखे गए हैं, और एक्सरसाइज में भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक, आपने उसमें एम्पिरिकल फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं कुछ कंपाउंड्स के, तो आपने उसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, और ये टॉपिक्स जो है ये आपने रेगुलरली साथ साथ लेक्चर सुन के तैयार करते जाना है, और तैयार करने के बाद फिर उनको लिखना भी है। ठीक है, ओके।